हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जय जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, श्री वृंदावन की जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। तो आज के इस 11 फरवरी के प्रातःकालीन सत्र में आप सबका स्वागत है, श्री वृंदावन धाम में स्वागत है। हरे कृष्णा। तो शुरुआत से हमने कहा था कि वृंदावन धाम के कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं। सबसे पहला क्या है? वृंदावन। दूसरा क्या है? यमुना जी। तीसरा क्या है? गोवर्धन पर्वत। चौथा क्या है? राधा रानी। पांचवा क्या है? गाय गो माता। और छठवा क्या है? ब्रजरज। तो हमने कल गोवर्धन के विषय में चर्चा की, आज गाय के विषय में चर्चा करेंगे। उसके पहले आज के दिन रामानुजाचार्य श्रीमान रामानुजाचार्य इनका तिरुभाव दिवस है। श्रीमान रामानुजाचार्य राम अनुज यानी लक्ष्मण के अवतार हैं और श्री संप्रदाय के वो प्रवर्तक। श्री संप्रदाय चार संप्रदाय होते हैं, गौड़ीय संप्रदाय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय श्री संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय और
कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय जो ब्रह्मा जी के चार पुत्र थे, चार कुमार, सनत कुमार, सनक सनातन, सनंदन और सनत कुमार, इनके द्वारा आरंभ होता है। निम्बार्क संप्रदाय जो निम्बार्क स्वामी से आरंभ होता है। ब्रह्मा मध्य सर्वोच्च संप्रदाय हमारा संप्रदाय जिसमें चैतन्य महाप्रभु आए हैं, और श्री संप्रदाय जो है वो लक्ष्मी देवी से आरंभ होता है। श्री यानी लक्ष्मी, और उनके जो प्रमुख आचार्य हैं वो रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य से वैसे दक्षिण भारत में उनका प्रचार रहा है। केंद्र स्थान श्री रंगम, रंगनाथ जी महाराज का मंदिर जो है उनका केंद्र स्थान है, और 5 मिनट में कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन रामानुजाचार्य जी ने दक्षिण भारत में 108 दिव्य देशम स्थापन किए। दिव्य देशम का मतलब होता है जैसे हम इस्कॉन का मंदिर बनाते ना वृंदावन में, मायापुर में, मुंबई में, जहां जहां बनाते, तो उसको दिव्य देशम ही है वो। तो साउथ इंडिया में दिव्य देशम कहते हैं, मतलब सेंटर है वो, भगवान का मंदिर है, प्रचार केंद्र है, जहाँ पर भगवान के विषय में विद्या का प्रचार होता है। तो रामानुजाचार्य इन्होंने विशिष्ट अद्वैत इस सिद्धांत का प्रचार किया। विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट द्वैत यानी हम और भगवान विशिष्ट हैं, यानी हम भी अलग जीव हैं, भगवान के अंश हैं, और भगवान परमात्मा, परम पुरुषोत्तम परमात्मा है, वो तो भी विशिष्ट है। तो हमारा उनका एक विशिष्ट संबंध है प्रेम का और सेवा का, उसके विषय में उन्होंने प्रचार किया। मध्वाचार्य जी ने द्वैत का प्रचार किया, मतलब हम और वो अलग है, बस इतना ही मेन पॉइंट था। रामानुजाचार्य ने उसके थोड़ा सा आगे समझाया। एनीवे अभी बहुत समय कम है हमारे पास, फिर भी हम रामानुजाचार्य जी को प्रणाम करते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं दी हैं, और प्रभुपाद जी ने उनकी बहुत शिक्षाओं का अपने तात्पर्यों में, प्रवचनों में उल्लेख किया है। यहाँ तक कि श्री संप्रदाय के आचार्य होने पर भी इस्कॉन के कैलेंडर में, वैष्णव आचार्य कैलेंडर में उनका तिरुभाव दिवस भी मेंशन किया है, क्योंकि प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में कई 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 जगहों पर रामानुजाचार्य का उल्लेख है, और हमने भी श्रीरंगम में कई बार यात्रा की, उनके समाधि स्थल में भी हम गए। उनके समाधि स्थल जो है ना, आज उनका तिरुभाव दिवस है इसलिए मैं कह रहा हूँ, समाधि स्थल जो है वो उनका ओरिजिनल शरीर है आज भी उधर, जो अभी आप देख रहे हैं उधर, उनका शरीर एक्चुअली शरीर है उनका। उनको ना दफनाया गया ना जलाया गया, वैसे ही शरीर प्रकट हो गया उनका। उनके जहाँ समाधि थी वहां से ऊपर आ गया वो शरीर, और अभी वहां पर बसा हुआ है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने अभी कुछ 10 दिन या 8 दिन पहले रामानुजाचार्य की, है ना, बहुत सुंदर बड़ा बड़ा विशाल विग्रह, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इक्वालिटी, हाँ स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के रूप में स्थापन किया है। ये बहुत बड़ा एक धर्म के विषय में एक बहुत बड़ा कदम है। इसके लिए बहुत विल पावर चाहिए, इसके लिए बहुत श्रद्धा चाहिए भगवान के ऊपर, और धर्म के विषय में उतनी आस्था चाहिए। तो ही व्यक्ति, अधिकारी व्यक्ति अपने अधिकार का उपयोग इस दिशा में कर सकता है। तो ऐसे जब भी स्ट्रक्चर बनते हैं ना, जैसे रामानुजाचार्य का विग्रह अभी स्थापन किया गया आकाश में, ऐसा ऊंचा, बहुत ऊंचा, तो कई हजारों सालों तक उसका प्रभाव रहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या, हम रहे या ना रहे, लेकिन धर्म का प्रभाव बना रहता है। इसलिए राजा को भक्त होना चाहिए, राजा भक्त होता है तो सबका कल्याण होता है। और आज श्री श्री राधा दामोदर भगवान का भी आविर्भाव दिवस है। वृंदावन में 7 मंदिर हैं, मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी, और राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुलानंद और राधा रमन, ये 7 मंदिर है। इसमें राधा दामोदर जी का मंदिर जो है, वहां पर हमारे प्रभुपाद जी रुके थे, प्रभुपाद जी महाराज, और वहां पर उन्होंने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3 खंडों में अनुवाद किया था इंग्लिश में, और वो लेकर वो अमेरिका गए। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है,
वहां पर रूप गोस्वामी ने भी भजन किया था। जब उनका मंदिर बन रहा था तो अपने भतीजे जीव गोस्वामी जी के प्रांगण में भजन करते थे, और वहीं पर उनका समाधि भी है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे पूरे संप्रदाय के वो आदि प्रवर्तक, उनको रूपानुगत कहा गया है क्योंकि अब रूप गोस्वामी के अनुयायी के रूप में हमारा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीश्वर संप्रदाय। और रूप गोस्वामी ने जो उनका वो तीन भाई थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और उनके गृहस्थ भाई थे अनुपम, तो वो तो गृहस्थी थे, तो उनको एक पुत्र था जिनका नाम था जीव। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के वो नेव्यू थे, भतीजे। तो बचपन से ये बहुत कृष्ण बलराम पर बहुत प्रेम करते थे, तो उनके विग्रह को गोद में लेके सोया करते थे बचपन। जब बड़े हो गए तो संन्यास वृत्ति है, तो रूप गोस्वामी के पीछे पीछे चले गए वृंदावन। जब रूप गोस्वामी उनके मंदिर में भजन कर रहे थे, तब उनको ऐसा लगा कि जीव गोस्वामी को भी विग्रह की पूजा करने की बहुत इच्छा है। राधा रानी ने रूप गोस्वामी को स्वप्न दिया, और स्वप्न में पत्थर की मूर्ति कैसे बनाते हैं वो सिखाया। तो राधा रानी के प्रत्यक्ष निर्देश से, डायरेक्शन में, उन्होंने, वो कोई मूर्तिकार नहीं थे, वो तो भजन करने वाले गोस्वामी थे, लेकिन फिर भी राधा रानी की कृपा से उन्होंने अपने हाथ से पत्थर की मूर्ति बनाई। देखो अभी डॉक्टर को बोलेंगे आप, पता जी एक मूर्ति बना दो पत्थर की, तो कैसे बनाएंगे उसको, तो ट्रेनिंग नहीं है, कुछ पॉसिबल नहीं है। लेकिन रूप गोस्वामी को पॉसिबल हुआ राधा रानी की कृपा से। जैसे वो अंधे भक्त थे ना, वो मोरकुटी वाले, उन्होंने अंधे होते हुए भी चित्रपट बनाया, ये सब कृपा है। तो वो विग्रह बनाया और उसका नाम रखा दामोदर जी, और वो जीव गोस्वामी को भेज दिया। वही विग्रह आज के दिन प्रकट हुआ, पूर्ण हुआ, प्रकट हुआ, स्थापित हुआ वहां पर राधा दामोदर जी के मंदिर में। तो हमारे संप्रदाय में ये सप्त देवालय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम वृंदावन में आते हैं तो हमारा ये प्रयास रहता है कि सातों मंदिरों का दर्शन करें। लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सेवा। सेवा में ही सब दर्शन, सब साक्षात्कार, सब कृपा, सब सम्मिलित है। ये हमारे गिरिराज महाराज ने यहाँ पर हम काफी दिन निवास किया हमारे साथ, हमने उनके साथ निवास किया। तो जब कितनी बार वृंदावन में आए वो, जब प्रभुपाद जी थे तभी, लेकिन वो कहीं दर्शन करने के लिए नहीं गए, उनको कुछ पता ही नहीं है वृंदावन। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा हमारा एक ही काम था जो प्रभुपाद ने बताया है, वो सेवा करते रहे। वो सेवा इतनी थी क्योंकि वो फॉर्मेशनल डेज थे, मतलब इस्कॉन के वो निर्माण के दिन थे। हाँ, तो हम ही लोग थे तो हमारे पास बहुत सेवा थी, बहुत काम करना था। तो ऐसा फ्री टाइम नहीं था कि चलो नंदगांव चले, चलो गो बरसाना चले, चलो गोवर्धन चले, घूम के आए, दर्शन करने चले। हालांकि प्रभुपाद ने लेके गए उनको, लेकिन इम्पोर्टेंट डिवोटीज को लगा दिया था मुंबई में, गिरिराज महाराज को, इधर उसको फुल टाइम, तो उन्होंने कुछ दर्शन नहीं किया। लेकिन उनको साक्षात्कार देखो आप, कितने दिव्य हैं। क्योंकि तो सेवा के, गुरु जी की सेवा, गुरु जी की आज्ञा पालन के अंदर जो साक्षात्कार है, वो पूरे वृंदावन में घूम के भी नहीं मिलेगा आपको, दर्शन करके कथा सुन के भी नहीं मिलेगा। सारा रहस्य जो है वो गुरु आज्ञा पालन में छुपा हुआ है। एक वाक्य में अगर कहा जाए ना कि व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज गुरु मुखा पद्मा वाक्य चित्ते ते कोरी आई क्या आराधना कोरियो मने आशा। ये तीन लाइन के अंदर पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस का आपका सार मिलेगा। और एक वर्ड में अगर कहा जाए तो व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, गुरु आज्ञा पालन, बस फिनिश्ड, सर्विस, सेवा। तो राधा दामोदर जी का भी आज आविर्भाव दिवस है। फिर हम अपने विषय में आएंगे, 7:05 हुए। तो भगवान ने अपना जो परम धाम है, भगवान का परम धाम कौन सा है? हाँ, गोलोक वृंदावन, सबको पता होना चाहिए। तो हमारा हॉस्पिटल कहाँ है? मीरा रोड। यू कैन नॉट मेक अ मिस्टेक इन दैट। इसी तरह से भगवान का भी घर का पता सबको पता होना चाहिए, कहाँ पर है वो घर, वो किधर है। वो सबसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टॉप मोस्ट स्थान है, परमोच्च। दो प्रकार के जगत होते हैं ना, एक है आध्यात्मिक निर्माण भगवान का, स्पिरिचुअल क्रिएशन, और एक है मटेरियल क्रिएशन,
उसके बीच में विरजा नदी आती है। विरजा नदी के इस पार मटेरियल, उस पार स्पिरिचुअल। और स्पिरिचुअल और मटेरियल में फर्क क्या है, उस देश में और इस देश में फर्क क्या है? उस देश में जन्म मृत्यु नहीं होता है किसी, कोई बुढ़ा नहीं होता है, कोई बीमार भी नहीं होता है। जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार हमारे जीवन के लक्षण है। किसी भी जीव के लक्षण है जो भौतिक दुनिया में जन्म लेते हैं, वो ये चार स्थिति से गुजरते हैं। चाहे सुंदर हो, कुरूप हो, पढ़े लिखे हो, नहीं हो, लेकिन ये चार स्थिति में जाना है। यू हैव टू गो, वेदर यू आर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, यू हैव टू गो। तो जिस दुनिया में ये चलता है रूल, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, वो भौतिक दुनिया है, मटीरियल वर्ल्ड है। और जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होता है, शरीर मतलब जन्म होता ही नहीं है तो मृत्यु कैसे होगी? और शरीर चिन्मय होता है, सच्चिदानंद होता है, तो मृत्यु नहीं होती उसकी, हमेशा सुंदर जवान 16 साल का रहता है। वो विश्व को आध्यात्मिक दुनिया कहते हैं, आध्यात्मिक विश्व कहते हैं, आध्यात्मिक निर्माण कहते हैं। और वो जो आध्यात्मिक निर्माण है, वो कहते हैं इस दुनिया के निर्माण से चौगुना है, 4 times और 3 times, सॉरी 3/4। पूरा क्रिएशन अगर 1 है तो 3/4, पौना क्रिएशन स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। हम 25% है, वो 75% है। और उसमें भी ग्रेडेशंस है, पहले ब्रह्म ज्योति है, भगवान का प्रकाश है, वो प्रकाश में अवकाश में सारे वैकुंठ तैरते रहते हैं। हाँ, और वैकुंठ के आगे स्पेशलाइज्ड वैकुंठ एरिया है, हाईली स्पेशलाइज्ड। अपने हॉस्पिटल में कैसे होता है, एक जनरल वार्ड होता है, फिर एक पीडियाट्रिक वार्ड होता है, एक और गायनेक वार्ड होता है, एक ऑप्थल वार्ड होता है, एक ICU होता है, हाईली स्पेशलाइज्ड, एक ऑपरेशन थिएटर होता है। तो सब मेडिकल ही है, एवरीथिंग इज मेडिकल वर्क ओनली, बट उसमें भी होता है ग्रेडेशंस। वैसे अयोध्या, द्वारका और मथुरा, ये हाईली स्पेशलाइज्ड वैकुंठ है। और उसके आगे टॉप मोस्ट जो है ना, वो गोलोक वृंदावन है, भगवान का टॉप मोस्ट है वो। वैकुंठ में एक बार प्रार्थना करते रहते, ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपा सभूमि विश्वतो वृत्वा अत्यादिष्टं जगत अत्यादिष्टदशांगुलं स्वाहा। हमेशा वेदों का उच्चारण, प्रार्थना, पूजन चलते रहते हैं। पर गौलोक वृंदावन में सब लोग गोटी खेलते हैं भगवान के साथ, ऐसा है, फर्क है बहुत उसमें। वो टॉप मोस्ट है भगवान का, वहां भगवान ऐसे फ्री रहते हैं, कोई ऑय एंड रेवरेंस कुछ सब पोजिशन ऐसा कुछ फ्री। मम्मी के बेबी, मम्मी का बेबी है वो, दोस्तों का दोस्त है, गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, खुलेआम घूमते प्रेम से। वो जो टॉप मोस्ट धाम है भगवान का, उसको नाम भगवान ने दिया है गौलोक। आप सोच सकते हैं, आपके घर को आप नाम देते हो ना, तो सबसे आपको प्रिय क्या है, उस पर नाम देते हो। मुझे आपको बेटी बहुत प्रिय है, जानकी, तो जानकी कुटीर ऐसा नाम देंगे आप, या गोपाल कुंज जो हमको सबसे प्रिय है वो हमको, या पिताजी का नाम देते हैं, दीनानाथ स्मृति जैसे भी हो। तो वैसे भगवान ने सबसे प्रिय जो है गौ माता, उसका नाम अपने धाम को दिया है। अच्छा, उसको जब यहां प्रकट किया तो भी काम क्या नाम दिया, गोकुल है कि नहीं? गोकुल का मतलब क्या है, जिस कुल में गौ रहते हैं वो गोकुल है, और गौ गौ के कुल में हम लोग रहते हैं, यानी नंद महाराज यशोदा माई सब रहते हैं। इसी से हम समझ सकते हैं कि गौ ये विषय जो है कृष्ण को कितना प्रिय है। कृष्ण का नाम क्या है, गोपाल। सबसे प्यारा नाम जो है कृष्ण का वो गोपाल है। बाकी प्रिया प्रेम से ठाकुर जी भी कहते हैं, श्याम सुंदर जी भी कहते हैं, गोविंद कहते हैं, बट अधिकतर ब्रज लीला में उनका नाम गोपाल है, गोपाल कृष्ण। कितना गर्व है उनको गोपाल कहलाने के लिए। गोपाल का मतलब क्या होता है, काउहर्ड बॉय जो गाय चराता है, मतलब कोई बड़ी पोजीशन नहीं है। राजा है तो बड़ी पोजीशन, रानी है तो बड़ी पोजीशन है, प्रधानमंत्री तो बड़ी पोजीशन है, वजीर। गोपाल मतलब क्या है, ठीक है, पर भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं, गोपाल कहने पर और पदवी प्राप्त होने पर कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी ये गाय है, और गाय ऐसी
वृंदावन का अविभाज्य अंग है वो इतने ऊपर से गोलोक वृंदावन से गाय चराने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि जो भगवान सब सृष्टि के निर्माण करता है वो गाय चराने के लिए गर्व से गोलोक वृंदावन में चराते हैं, इधर भी चलाने को आते हैं गाय। वृंदावन धाम में गौ चारण यानी गौ हर्डिंग, गौ को चराना इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि अगर कोई ब्रजवासी है जन्म लिया यहाँ पर और कहीं से चला गया, कभी कभी क्या होता है ब्रजवासी लोगों को भी बाहर जाके काम करना कर्म है, संचित है, पूर्व प्रारब्ध है। तो मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो अमेरिका में सेटल्ड है, अभी इंग्लैंड में सेटल्ड है, कोई दिल्ली में सेटल्ड है, कोई मुंबई में सेटल्ड है, कोई भाईंदर में सेटल्ड है, पूरी चतुर्वेदी की कम्युनिटी है उधर चौबे लोगों की, मथुरा लोग मथुरा के लोगों की, सब भक्ति विधान में आते रहते हैं, मुझे मिलते रहते हैं। लेकिन अगर जीवन में गाय नहीं चराए उन्होंने तो ब्रजवासी अपने आप को नहीं बता सकते। इसलिए कुछ लोग रिटायर होकर आते हैं और मतलब बहुत धनवान कमा के बहुत अमीर होके आते हैं, फिर भी यहाँ पर नंगे पैर गाय चराते रोड पे। बरसाने भी मैंने देखा है, यूएस से आते हैं अपनी सेवा करने के लिए राधा रानी की, और यूएस से जो पढ़ के गोस्वामी है वो सत्यनारायण गोस्वामी है ना, उनके पुत्र यूएस में अभी भी रहते हैं, उनकी सेवा में यूएस से आ जाते हैं और सेवा राधा रानी के करते हैं। और उस समय जिस दिन यहाँ जितने दिन यहाँ पर है उस दिन गाय चराते रोड पे नंगे पैर, या मैंने खुद देखा है और मैं उनसे मिला भी हूँ, उनसे बात भी करता हूँ और उनको उसमें कोई संकोच नहीं है, इट्स अ प्राइड फॉर देम। बम्बई में क्या होता है कुत्ता घुमाने में प्राइड होता है, सब लोग डॉग्स को लेके घूमते हैं और उनको बोलो डॉग के बदले में गाय को लेके घूमो तो उनको शर्म आती है। दिस इज अ आयरनी ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब इसको ही दुर्भाग्य कहते हैं। जो गाय को चराने में हमारी कितनी शुद्धि है उसमें गाय को चराने में, और मैं भी कुत्ते के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहता, मैं मुझे कुत्ते की कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन महाभारत में इतना सब लिखा है कुत्ते के बारे में, इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए। उसका स्थान घर के बाहर है, और गाय आपके घर में घूमेगी ना पूरा घर पवित्र कर देगी आप अगर गाय घर पे आती है। मैंने ऐसे अहमदनगर में कितनी जगह पे मैं गया हूँ, वहां पर उनकी गौ जो है ना वो रोज घर पे आके बेड पे सो जाती है, ये बेड में एक बच्चा सोया है, वो गोद में बच्चा सोया है, ये किसी की गोद में सोया है बच्चा, या उधर जमीन पे सोया है, ऐसा है। और शादी में भी अगर आपका भाग्य रहा ना तो सवत्स गाय को लेकर आना चाहिए और उसका पूजन करके उसको भेज देना चाहिए, इतना आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो गौ एक ऐसा एक ही प्राणी है तो मरने के बाद भी देते रहता है लोगों, किसी प्राणी की विष्ठा यानी स्टूल पवित्र नहीं है सबका, इट्स अ अबव एनिमल थिंग, यू कैन नॉट अनटचेबल, अस्पृश्य है वो। एक ही गाय ऐसी है जिसका स्टूल जो है वो पवित्र है, उसको हाथ लगाना से आप पवित्र रहेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, बाकी किसी के हाथ लगेगा तो शुद्ध होगी तो अपवित्र हो जाएंगे, स्नान करना पड़ेगा। उतना ने जब भी प्रयास किया कृष्ण को मारने का और भगवान ने फिर उसका वध कर दिया, उसका स्तन चूस के, तो पुतना मर गई ना, तो पुतना मर गई तो सब भगवा क्या है, क्या हो गया देखने के लिए, तो बड़ा बैड ओमेन अपशकुन हो गया। तो क्या किया कृष्ण भगवान को गौशाला लेके गए और गौमूत्र और गोबर से स्नान किया। कैन इमेजिन कि भगवान है वो स्वयं अपना दिव्य सच्चिदानंद शरीर जो है वो मक्खन से भी अधिक मुलायम है, उस शरीर को बालक स्वरूप में अपनी माँ को समर्पित कर दिया ना शरीर अपना, माता ही उनकी कंट्रोलर है, तो माता उनको लेके गौशाला में देकर गौमूत्र और गोबर से उसको पूरा स्नान कराया, पूरा पूरा बॉडी में अच्छी तरह से। हम भी रोज गौमूत्र से और गोबर से स्नान करते हैं, नो साबुन, डेली मुंबई में भी आता है इधर भी आता है, इतना आनंद आता है उसके अंदर। आनंद तो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि आपके अंदर से अंदर जितने भी पाप छुपे हुए हैं वो गौमूत्र गोबर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं, शक्ति है उसके।
और ये गोमूत्र और गोबर के मिश्रण में कृष्ण हमेशा लोटपोट हुआ करते थे, कॉन्स्टेंटली ही वॉज कवर्ड विद गोबर एंड गोमूत्र मिश्रण। मैया उनको चंदन अगुरु सब लगा के भेजती थी श्रृंगार करके, और ये गौशाला में आते थे और उसमें गिर जाते थे। तो गिरने में पेट में मिक्सचर, इधर मिक्सचर, सब इधर गाल में मिक्सचर, सब जगह मिक्सचर, बहुत सुंदर लगते थे। और वैसे गोमूत्र गोबर लगे हुए कृष्ण बलराम जी को रोहिणी मैया यशोदा मैया गोद में लेकर खिलाती थी, दूध पिलाती थी। और हमको लगता है ई गोबर ई ऐसा लगता है, लेकिन वो कुछ समय लगेगा, बाद में नहीं लगेगा। कुछ समय आप लोगों को कितनी बू आ रही है, बाद में आप लोगों का कितनी सुगंध आ रही है, कैसे कैसे मुमकिन है। जब हम बच्चे थे तो हमारे घर में नॉनवेज खाते थे, तो फिश के स्मेल से हमको प्रेरणा आती थी, वाह आज का सिद्ध शुभ है, आज फिश बन रहा है। ये बचपन का हमारा स्थिति था, सब माइंडसेट है पूरा ये। और आज अगर दूर से भी फिश की स्मेल आ गई तो हमको इधर उल्टी आ जाती, हमारा प्रसाद उल्टा उलट जाए। वही हम है, वही फिश है, वही स्मेल है, क्या हुआ। तो जब भक्ति के लिए भगवान के लिए अनुकूल चेतना बन जाती है तो सब उसके अनुसार होता है। जो गोबर गोमूत्र से आपको घृणा आती लगती है या बदबू आती है, वो आपको खुशबूदार लगने लगता है। जैसे बच्चा कोई गोद में आपके है तो उसका स्टूल यूरिन चलता रहता है आपके ऊपर, आप उसका घृणा नहीं करते, पार्ट ऑफ माय वात्सल्य। तो ऐसे भगवान को, भगवान परम पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम गोलोकेश्वर परात्पर भगवान जो है अखिल ब्रह्मांड नायक, वो गाय के मल मूत्र में घूमते रहते। और पूरा जो ब्रज का लीला किया है ना, उसमें प्रधान लीला उनकी रोज की कई घंटों की सुबह शाम तक वो गौचारण की लीला है ना। प्रधान एक्टिविटी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी विच यूज टू डू एवरी डे विदाउट फेल। एक साल के हो गए ना, एक साल के तब उनको बच्चों को दिया गया, इमेजिन एक साल का बालक चलने को भी नहीं होता है, बच्चों को दे दिया चलाने की। और वो कवि करणापुर का जो ग्रंथ है उसके अंदर लिखा हुआ है कि बहुत झगड़ा किया उन्होंने, मुझे गाय चराना है, मुझे गाय चराना। और वो बाबा उनको ऐसे गोद में लेकर जाते थे और खुद गाय चराते थे नंद बाबा। तो गोद में ये बाबा से मतलब पिताजी से झगड़ा करते थे, मुझे भी चलाना है, मुझे भी चलाना है। और बाबा घर पे आके मैया से डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करूँ, ये रोज झगड़ा करते हैं मेरे साथ में। तो ठीक है, कुछ गिने चुने छोटे से उनको दे देना और उसका जरा सुपरविजन करना अच्छी तरह से। तब से शुरू हुआ, मतलब बाबा भी जा रहे हैं बड़ी गाय लेकर और छोटी अपनी गाय लेकर ये भी जा रहे हैं कृष्ण बलराम। फिर गार्ड लोगों को रखा है, ये जमुना जी की तरफ आप चलना लाइन से, जमुना जी की तरफ ना चला जाए, पानी में कूदेगा तो नुकसान। तो उधर एक गार्ड रखा हुआ है, मतलब गार्ड्स रखे हुए हैं गोपाल, वो वहां से लाइन से चल रहे हैं कि इधर ये घुसने जाए, इधर से बाबा चल रहे हैं, तो बीच में ही अपना नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चालक था, हाउ स्वीट, सो नाइस। उसके बाद में क्या हुआ, वो छोटे बछड़े जो इनके साथ में लीला करते थे ना गौचरण में, अभी देखो गौचरण बहुत सुंदर एक्टिविटी है, आपने देखा नहीं मुंबई में तो क्या खाली गाड़ियां ही पार्क रहती हैं। मेरी बेटी है ना, उसने बहुत जिद किया था बचपन में, पापा एक गाय रखो। मैंने सब पार्किंग की जगह गाड़ी की वहां पर गाय का वो तो सोसाइटी और क्या क्या बताओ। लेकिन बहुत साल तक जिद किया उसने, जेन्युइनली यार दिल से एकदम, मुझे दुख हुआ कह रही मैं उसकी इतनी सुंदर इच्छा पूर्ण नहीं कर पाया, क्योंकि शहरवासी है ना हम लोग, गाँव में कितना अच्छा है, घर में आगे साथ पीछे जगह है, गाय खड़ी है आराम से, लोग बच्चे खेल रहे हैं। तो वो जो लीला है ना गाय के साथ में क्या होता है उनको पता ही नहीं। तो कृष्ण भगवान गाय चला रहे हैं, तो गाय को थपथपा रहे हैं, कभी गले लगा रहे हैं, कभी चुम्मा ले रहे हैं, कभी गाय गोद में आके सो रही है, कभी गाय के गोद में कृष्ण सो रहे हैं। यू कैनॉट इमेजिन हाउ वंडरफुल थिंग्स आर। कभी मुंह को थपथपा रहे हैं, कभी वो गाय उनको चाट रही है, इधर चाट रही है, वो उनको कान में कुछ बोल रहे हैं, नाम से पुकार रहे हैं। तो वो जो आनंद गाय के बछड़ों को होता था, वो बछड़े जाकर मैयाओं को बोलते थे, गायों को, अपनी मैयाओं को। तो मैया भी टेम्पटिंग, अरे तुमको इतना आनंद हो रहा है, हमको क्या हो रहा है। तो वो जो गाय है वो अपने ग्वालों को बोल रही है, अरे हमें भी छोड़ो ना उनके साथ में। तो ये डिस्कशन फिर शाम की सभा में हो रहा है कि हमारी गाय जो है ना वो रोज हमको आकर बोलती है कि हमको कब कृष्ण के साथ भेजेंगे आप। बछड़े जाते हैं इतना आनंद लेके आते हैं, हमको बताते रहते हैं, हम भी टेम्प्ट हो रहे हैं। उसके वजह से एक बड़ा लंबा डिस्कशन हो गया, वंडरफुल डिस्कशन और इम्पोर्टेंट डिस्कशन फॉर देम।
बोलेंगे क्या ये बेकार की चर्चा करते हो, चलो ना अपना काम करो ना, इतने बड़े बड़े भवन बनाने हैं, कितना काम करना है, खेती करनी है, क्या करना है भाई, आर डिस्कसिंग दिस थिंग, गाय क्या बोल रही है। नहीं, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर देम बिकॉज गाय उनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो एक बड़ी सभा में बहुत बड़ा डिस्कशन हो गया, चांडिल्य मुनि को बुलाया गया, लोकल साधु को, नहीं अभी उनको बड़े गायों का भार देना चाहिए। मुहूर्त निकाला गया, गोपाष्टमी, कार्तिक वद्या अष्टमी, उसमें फिर भगवान को सागर संगीत समारंभ पूर्वक, हाँ फेस्टिविटी के साथ में एकदम गॉर्जियसली भगवान को सभी गायों का जिम्मेदारी दिया गया। उस दिन से भगवान जो है दूर जाने लगे। जब वत्सपाल थे, उनका नाम था वत्सपाल, तभी 1 से 5 साल का उम्र में बछड़ों को घुमाते थे। 5 साल जब पूरे हुए तो वो गोपाल बने, उसका भी विधि हुआ पूरा समारंभ पूर्वक, उनको वो टाइटल दिया गया, रत्न की छड़ी दी गई, लकुटी मंत्र बोल के दी गई, टू हर्ड द काउज, एंड दिस इज योर लाइक डॉक्टर कैसा होता है, स्टेथोस्कोप होता है ना उसका, वैसे गोपाल का स्टिक होता है, वो दिया गया। वत्सपाल में कैसा था, पहले तो फुल कवरिंग में चलते थे, उसके बाद क्या थोड़ा बड़े हो गए ना, मतलब 1 साल 2 साल हो गए थे, तो अपने अपने जरा संभलने लगे, तो फिर उनको छोड़ने लगे। तो उनका नियम क्या था कि यशोदा माई ना नंद भवन में रहती ना, वो तो पहाड़ पर है, और पहाड़ की चोटी पर है उनका, इनका एक जगह है बैठने का, अभी भी है वो, उसको कहते हैं यशोदा बैठक। वो मंदिर के पहले मंजिल पर आपको चढ़ना पड़ेगा, ऊपर आपको मिलेगा, बहुत सुंदर जगह है। और ऐसी जगह है कि वहां पर अगर कोई जाएगा तो आपको चारों तरफ सब दिखाई पड़ेगा पूरा, इधर कामे वन, उधर गोवर्धन, उधर कोकिला वन, इधर बरसाना खदीर वन, सब दिखाई पड़ेगा आपको। तो वो वहां जाएगी और उसका सीसीटीवी खुद का जो है वो कहाँ तक उसका रेंज है, वही तक उनको जाना है, उसके नजर के परे नहीं जाना है। तो वो हर आधा घंटा में जाके देखेगी किधर है कनुआ, कौन से गांव में गया है, हाँ ठीक है सुरक्षित है, दूर से देख रही है, शी इज ऑलवेज सुपरवाइजिंग। तो ये चलता रहा, और जब थोड़े बड़े हो गए ना, 4 साल हो गए, इनको बोर होने लगा, क्या ऑलवेज अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, हम क्या कर रहे हैं सब, कोई ऑलरेडी देख रहा है, तो ये मजा नहीं आ रहा है हमको, अभी प्राइवेट हमको जाना है, अपने को स्पेस चाहिए, वी वांट अवर स्पेस, यू नो वी वांट टू गो आउट समवेयर दैट नोबडी इज, वी आर फ्री टू डू व्हाटएवर वी वांट। तो ये भी एक था, वो बछड़े जाकर गाय को बोल रहे हैं, गाय जाकर ग्वाल वालों को बोल रहे हैं, ग्वाल जाल जाकर डिस्कस कर रहे हैं बड़े गुप्पों के साथ और मीटिंग करके डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर ये भी रहस्य है कि इनको भी अभी ना बछड़ों के साथ में बड़ों को, बड़े गाय को लेके जाना है। सच अ स्वीट एक्टिविटी ना, गाय तुम्हारे परिवार का एक अंग है, ऐसा नहीं है कि वो जानवर है, वो पशुशाला में रखा है उसको, दे आर पार्ट ऑफ ए फैमिली, आपका पूरा जीवन जो है उस पर निर्भर है, दूध आता है, उसका दही जमाते हैं, फिर मंथन करते हैं, वो कृष्ण को खिलाते हैं, फिर उसका घी बनता है, फिर गोबर के कंडे बनते हैं, गोमूत्र का मिलाकर क्या क्या कितने कितने काम होते हैं। आपको पता है एक गोमूत्र से ना 300 दवाइयां बनती है, 300, और हम सब उसको खो चुके हैं, हमको वी डोंट नाउ इंटरेस्टेड, वी वांट ओनली पैरास्टामोल एंड वी वांट मेरिपेनम, यही हमको लगता है यही सबसे बेस्ट है। इन गोमूत्र से 300 मेडिसिन बनते हैं और 300 प्रकार के लाभ होते हैं अगर आप केवल उसको अर्क को पीते रहेंगे रोज। और भगवान ने जब गाय का निर्माण किया ना, सिर्फ ये बात पहली पूरी करता हूँ, तो फिर जब भी गोचारण का गोपालन का विधि किया गोपाष्टमी के दिन, तो उस दिन से ये सीसीटीवी सर्वेलेंस के आउट जाने लगे, दूर जाने लगे। तो मैया को वो टेंशन था, अरे अभी तो मेरे को दिखाई नहीं पड़ेगा ऊपर जाने के बाद। तो बलराम जी को बोल कर रखा था ओरिएंटेशन, हमारा कैसा होता है इंडक्शन ओरिएंटेशन आई कैम के लिए, वैसे उनका ओरिएंटेशन हुआ, बलराम जी को बोला देखो तू बड़ा भाई है, हाँ मंडली भद्र ये सब बड़े बड़े हो आप तलवार भाला सब लेके चलना, उसको कवर करना, वो नटखट है, अभी जमुना जी में कूदेगा, इधर पकड़ में गिरेगा, कभी शाखा से कूदेगा नीचे, संभालना उसको, और बड़ी वो भी छोटा है, गाय बहुत बड़ी बड़ी है, उसके पैर लगेंगे, उसको सिंग लगेगा, वो भी संभालना। सब लोगों को देखे रखा है इंस्ट्रक्शन, चिदामा तुम लोग बहुत मस्ती करते हो लेकिन सावधान, उसको कोई तकलीफ ना होना चाहिए। और फिर वो जब चालू हुआ ना तो साथ साथ जाने लगी वो, तो कह रही मैया जाओ ना अभी आप, मीनिंग अभी गौचारण चालू हो गया ना, तो मैया भी साथ साथ जा रही है उसके, तो चिंता है ना उसको, थोड़ी देर के बाद देखते मैया भी साथ आ रही है, तो बोल रहे मैया जाओ ना अभी आप,
हमको जाने दो ना, तो मैं वही खड़ी रहती है, जाती नहीं है, वही खड़ी रहती है, और उसके दोनों तरफ से गाय बछड़े सब चले जाते हैं, वही खड़ी रहती है, दूर तक चले जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, तब तक खड़ी रहती है, फिर रोती है, फिर घर चली जाती है। फिर अभी सीसीटीवी कैंसिल हो गया ना, सीसीटीवी का पैसा खा तो बेकार हो गया अभी, फिर भी वो क्या कर रही है, आधा घंटा में जो छतरी में आ रही है, वो क्या देख रही है, अभी क्या देख रही है, पहले नीचे देखती थी कहाँ है कन्हैया मेरा, अभी ऊपर देखने लगी, किधर, सूर्य को देख रही है अभी वो, तो अभी तक इतना ऊपर क्यों है, नीचे क्यों नहीं आता, क्योंकि तो जब तो नीचे आएगा तब वो घर पे आएगा ना, एवरी हाफ एन आवर, एवरी 10 मिनट, वट एवर हर एंग्जाइटीज, उसकी आंख तो अश्रुओं से भरे रहते थे, उसके स्तन से हमेशा दूध बाहर आता था वात्सल्य से, और वो सब ऐसी अवस्था में उसके सारा वक्षस्थल गीला, आंखों से अश्रु भरे हुए, ऊपर जाकर सूरज को देख रही है, बोल रही है अभी तक ऊपर कैसे, ढलते क्यों नहीं है, ये गौचारण की लीला है। अभी ये गाय का निर्माण कैसे हुआ, अभी कितना कहे गाय के विषय में, तो अनंत 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 वर्णन। जब ही मधु कैटप का विष्णु ने वध किया, ये बहुत ऐतिहासिक घटना है, मधु और कैटप बहुत भयंकर राक्षस थे दोनों, जैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु रावण कुंभकर्ण, ऐसे भयंकर सत्यु के राक्षस थे, विष्णु ने उनका वध किया, तो जैसे ही मधु कैटप का वध किया ना, समहाउ टेक्निकली पृथ्वी से अग्निहोत्र से, मैंने आपको बता दिया उस कहानी को ना, यज्ञ में बताया था, हाँ, तो ब्रह्मा जी ने अमृत मंगाया, सब देवता ने कंप्लेंट किया कि हमारे को आहुति नहीं मिल रही, कोई उनका पोषण कैसे होता है, यहाँ से यज्ञ होंगे तो आहुति अर्पण करेंगे तो वो हव्यम भवतु प्रज्ञान, वो अनेक अग्नि के अनेक अनेक एजेंट्स हैं, हव्यम वहतु प्रज्ञान, हव्य मतलब जो हव्य अर्पण कर रहे हैं, वहतु जिसको वहन करके उन तक पहुंचाते हैं, कि कोई देवता है बहुत सारे, उसका काम वो यहाँ से वहां ट्रांसफर करना है, स्टमक का काम जैसा है, रिसीव करना है, डाइजेस्ट करना है और सबको पहुंचाना है न्यूट्रिशन, उसका ड्यूटी है वो, उस तरह से हव्यम भवतु प्रज्ञान, जात वेदहा पुनिहि माम। तो फिर ब्रह्मा जी के पास कंप्लेंट किया कि हमको कुछ भोजन नहीं मिल रहा है, लोग दुबले हो रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने चंद्र से अमृत मंगाया, पिया उसको, और एक डकार दिया सुगंधित, उस डकार में से सुरभि गाय का जन्म, कहा कि इसके गोबर में और गोमूत्र में जब ही कुंड को आप लिपेंगे तो आपके आहुति मिलना आरंभ हो जाएगा, तो फिर सब दष्ट पुष्ट हो गए दोबारा। और जब ही भगवान ने भी गाय का निर्माण किया, सुरभि का निर्माण किया ना भगवान ने, तो ना सारे देवता जाकर गाय के शरीर में बैठ गए, अपना अपना स्थान बुकिंग, होता है ना कभी दरवाजा खुलता है मैच के अंदर, तो भाग के अपना फ्रंट सीट ले लेते हैं, प्राइम सीट, जैसे गाय का निर्माण होते ही सारे देवताओं ने प्राइम लोकेशन पे गाय के अंदर अपना अपना स्थान ले लिया, हाथों में, पैर में, सिंग में, शुभाशिंड में, पीठ में, पेट में, सब जगह पे, और दो व्यक्ति लेट आए उसके अंदर, सब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, आपने आपने आप पहले गए तो आपको क्या चाहिए, चलो आप, मैं सर पे रहूंगा, मैं नाक पे रहूंगा, मैं आंख में रहूंगा, मैं कंधे में रहूंगा, पैर में रहूंगा, तो सारे देवता ने अपना अपना स्थान ले लिया। उसके बाद में गंगा देवी लेट आ गई, तो गंगा देवी को तब तक सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था और एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करूं, आप गौमूत्र में स्थिर हो जाओ, तो गंगा जी गौमूत्र में गई, यानी मूत्राशय में, तो जब हम गौमूत्र पीते हैं या गौमूत्र स्नान करते हैं तो आप गंगा जल में स्नान कर रहे हैं, ये सब हुआ। उसके बाद में लक्ष्मी जी आई लेट, थोड़ा तो मेकअप में टाइम लगा ना, तो लेट आ गई, तो मुझे भी स्थान दो, बोला अभी गोमूत्र को भी बट गया, मतलब क्या कहते हैं, एलोकेशन हो गया उसका, तो फिर क्या बचा, उन्होंने कहा कि आप गोबर में निवास करो, गोमय वसते लक्ष्मी, यानी शी सेटल्ड हरसेल्फ इन रेक्टम ऑफ द काउ, प्लीज अंडरस्टैंड, मतलब ऐसा नहीं बोली अरे प्राइम लोकेशन तो चला गया, मैं तो भगवान की पत्नी हूँ, किसी को हटा के मुझे दे दो वहां पर स्थान, आई एम मिसेस गॉड, I have some position, Baba. I am not Mr. Nobody. She is not fighting for that. She is saying, fine. So she settled in the rectum of guy. तो गोमय वसे लक्ष्मी, जो कितना जितना गोबर गिरता है ना, वो लक्ष्मी का निवास स्थान है, वो गोबर का आप अगर वो बनाओगे ना धूप और सुबह शाम जलाओगे ना, तो आपके घर में लक्ष्मी आएगी,
बाकी सब तो भूत प्रेत तो भाग जाएंगे। कोई कष्ट आपको है, कोई पीड़ा दे रहा है भूत प्रेत, रोज सुबह शाम उधर सोने के पहले जलाओ उसको और फिर सो जाओ, कोई आपको कष्ट नहीं देगा। गो वह गोमय गोबर के धूप के प्रभाव से सब एलिमेंट्स भाग जाते और धन भी आता है। मुझे अभी भी याद है कि बरसाने में कुछ ब्रजवासी महाराज के पुराने दोस्त महाराज से चर्चा कर रहे हैं, और महाराज आए हुए हैं, मैं भी साथ में हूँ, और क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ आमदनी नहीं हो रही है, क्या करें। तो महाराज जी हमारे इतने बढ़िया संत हैं कि उन्होंने कहा कि आपके घर में गाय है क्या, सुना है ना, तो गोबर का क्या करते हो आप, कुछ नहीं फेंक देते। अरे कहते गोबर में ही लक्ष्मी है, गोबर पे काम करो, गोबर से बिजनेस शुरू करो, धूप बना दो और जो भी कुछ गोबर का बनता है वो सब, हाँ फर्टिलाइजर बनाओ, उस पर काम करो, आपके धन की वृद्धि अनंत होगी। आई वॉज वंडरिंग वॉट अ विजन। हाँ जिसको शास्त्र का ज्ञान है उसे कोई नॉलेज हो सकता है, जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं बोलेगा तो वेस्ट है ये, थ्रो इट अवे। और अभी ये लोगों ने, इन्हीं लोगों ने प्रूव किया है कि गोबर के खाद से जो अनाज खेत में आता है उसकी ऊंचाई यूरिया फॉस्फेट से बहुत ज्यादा होती है, और वो भी ऑर्गेनिक होता है। और जो फल फूलों के अंदर ना एक ऐसा एक केमिकल होता है, रसायन मतलब वो हमारा केमिकल नहीं, प्राकृतिक, वो उस फल और फूल और सब्जी को उसका विशिष्ट खुशबू देता है, सुगंध। जैसे गोभी को जो कुछ खुशबू है, कॉलीफ्लावर को अपनी एक खुशबू रहती है। आजकल तो मुंबई वालों को कुछ पता ही नहीं, क्योंकि खुशबू आती नहीं, सब यूरिया फॉस्फेट में बसा हुआ है, तो वो केमिकली डिस्ट्रॉय कर देता है वो यूरिया फॉस्फेट। लेकिन जब गोबर का खाद में आप सब्जी डालते हो, बना मतलब अनाज को बोते हो या सब्जी को बोते हो, वाड़ी बनाते हो, तो वो जो केमिकल है प्राकृतिक उसकी वृद्धि होती है। और वो सब्जी जब आप घर पे लाते हो, खाली पानी में उसको उबालते हो, तो पूरा घर में पता चलेगा कि आज गोभी की सब्जी बन, ये शक्ति है गोबर के खाद में। और बहुत धन दौलत है। अब गोबर का गाय का कैसा है ना, वो थोड़ा काल तक दूध देगी, फिर दूध का दही बनाएंगे, मक्खन बनाएंगे, दही बनाएंगे, जब तक गाय बच्चा दे रही है। लेकिन उसके बाद में फिर लोग क्या करते हैं, गाय को भेज देते हैं काटने के, लेकिन उसके बाद में भी मरने तक गाय गोबर और गोमूत्र देती रहती है। जिसका आप मेडिसिन बनाओ, बेचो, देखो जो चाहे बनाओ उसको बेचते रहो, मरने के बाद भी उसका शरीर जो है, उसके चमड़े से जूता बनते हैं, उसके किसके कंघी बनती है, कई चीजों से क्या क्या बनता है, पूरा अस्तित्व। लेकिन वैष्णव लोग उसको यूज नहीं करते, उनको दफना देते हैं। तो इवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस ऑल्सो गाय एक प्रॉफिटेबल वस्तु है, मतलब जीव है। और गाय के बारे में क्या कहे आपको, मैं अहमदनगर में गया था तो उनकी बहुत सारी गायें थी, उनका छत है ना पूरा कंडों से भरा हुआ था, पैक्ड कंप्लीटली, साल भर का छत जो जो कंडा है वो छत में बना के रखा था उन्होंने, और केवल घर के बाहर ऐसा ही चूल्हा लगाया था मट्टी का, उसमें केवल गोबर के कंडे में खाना बना, मट्टी के बर्तन में। तो मैं 3 दिन रहा, मैं 3 दिन उन्होंने वही खाना खाया। ओके तो उनके वही उनके घर में वो बेडरूम में सब जगह गाय आती थी। तो क्या बताऊं मैं, इतना चमत्कारी गाय जीव है ना। वो प्रभु जी को एक दिन हेमिप्लेजिया का अटैक आया, घर में पड़े पड़े यू कुड अंडरस्टैंड कि उसका दाहिना गाय जा रहा है, उसका ये उधर का सुन्न हो रहा है। तो गाय ना, वो एक गाय थी उनके घर में, वो भाग के अंदर आई, और उस गाय ने, अभी ये आपको विश्वास रखना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये सत्य घटना है, वो गाय ने उसका वो साइड जो था पैरालाइज साइड, उसको इतना चबा 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 के चबा के चबा के, पाँव हाथ पाँव इतना चबाया, इतना चबाया, तब तक चबाया जब तक उसका पावर और सेंसेशन वापस नहीं आया। कई घंटे वो चबाती रही, सो मेनी आवर्स शी केप्ट ऑन नॉट बाइटिंग और ब्लीडिंग बट चूइंग। जैसे आप अपने बालक को सुंदर दांत लगा के कान को चबाएंगे, आप थोड़ी काटेंगे उसको, लविंगली यू विल बाइट ना। उस तरह से उस गाय ने उनको उस पैरालाइज शरीर के अंग को इतनी बार ऐसे चू किया, चबाया, चरवण किया कई घंटों तक, और वो प्रभु जी का नॉर्मल हो गए वो। अब ये सब साइंटिफिक रिसर्च करके प्रूव करना चाहिए, लेकिन ये हकीकत है। दूसरे समय उसी प्रभु जी को पीठ में कुछ वर्टिब्रे का प्रॉब्लम हुआ था, तो वो गाय इतनी इतनी गाय का तो शक्ति होती है, वो गाय ने ना जाकर उसके पीठ को अपने पैर से ऐसा मसाज दिया,
मार मार के, और उसके पीठ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अभी आपको लगा मैं तो वैसा सब तो बैठ के कुछ भी बक रहा हूँ, ऐसा लगे। उनको मिलो, वो बताते हुए रो रहे थे मुझे बताते हुए कि प्रभु जी वो गाय का महिमा लोग बताते हैं कथा में, पुस्तक में पढ़ते हैं और कथा में बताते हैं, तो मैंने ये सब अनुभव किया है मेरे जीवन में। और वो गाय अभी भी उनके घर पे है, और वो अभी कुछ गाय वाड़ा में दे दिया उन्होंने। तो इतना गाय का प्रेम होता है कि गाय, जो आपके घर में गाय है और आपके घर में मृत्यु हो गई और आप रो रहे हो, तो गाय 3 दिन भोजन नहीं करेगी और रोते रहेगी पूरा एज ए फैमिली मेंबर। परिवार का एक हिस्सा है वो, और परिवार के सभी लोगों पर वो प्रेम करती। वो माता जी का देहांत हो गया ना अभी, सब सबकड़ ना, सिंधु था सबकड़। गाय ने अपने 4 पैर के बीच में उसको प्रोटेक्ट करके डिलीवरी कराया उसका। वो गाय को कैसा सेंस है उसका कि दे लेडी डिफिकल्टी में है, प्रसूति में है और असहाय है, आतंकित है। गाय को सब सेंस है। गाय सत्व गुण का प्राणी है, उसके अंदर वो सत्व गुणी बुद्धि है, वो सब सेंस करती है। खाली जानवर कल के बोलते हैं हम लोग पशु के, लेकिन गाय माता है। विवेकानंद जी को पूछा था कि सबसे बेस्ट दूध कौन सा है, तो उन्होंने कहा भैंस का। अरे आप तो साधु हो, गाय के विषय में क्या? तो गाय का दूध नहीं है वो अमृत है। आपने दूध के बारे में पूछा ना, मैंने बेस्ट दूध बता दिया आपका। आपने बोला बेस्ट दूध कौन सा है, तो मैंने बोला भैंस का दूध है, उसका फैट है, उसके अंदर बहुत सारा सब कुछ है। गाय का दूध नहीं कहते, गाय का अमृत कहते, गोरस कहते हैं उसको। गोरस से भरे है कपूर, जय जय राधा रमण हरि बोल, है ना। ये गोरस के लिए भगवान तरसते थे, इस गोरस गो ग्रुत हाँ गो नवनीत चुराने के लिए अपना वैकुंठ का ऐश्वर्य छोड़ के आए, यहाँ पर चोर बनने के लिए आए। बोलो इतना प्रेम है भगवान को गाय के वस्तुओं पर। घर में आकंठ मक्खन खाने के, पद्मगंधा मक्खन हाँ खाने आरोगने के बाद में भी जाके चोरी करके खाते थे। वे ब्रेड बटर चोरी नहीं किया उन्होंने, ब्रेड पिज्जा हाँ वे जैम थोड़ी चोरी किया। घर घर में जाकर केवल गाय की वस्तु को चोरी किया, दूध भी चोरी किया उसकी भी कथाएं हैं, दही भी चोरी किया उसकी भी कथाएं हैं, मक्खन चोरी किया तो मैक्सिमम कथा है, घी भी चोरी किया उसकी भी कथाएं हैं। इमेजिन, तो लीला भी कर रहे हैं गौ के साथ, चोरी भी कर रहे हैं गौ की वस्तु, चोर कहलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं उनको। इमेजिन कितना प्रेम है गाय के ऊपर। और वो गाय जो है जहां चलती है ना, वो सारी भूमि को सुपीक कर देती है। आपके घर में जमीन है उपजाऊ नहीं है, गाय को लेके वहां बांध दो, खिला पिलाओ उसको, वो मूत्र करेगी, गोमूत्र डाले गोबर डालेगी, देखो कैसे उपजाऊ बनती है जमीन। हम लोग ट्रैक्टर घुमाते हैं और यूरिया फॉस्फेट लेके आते हैं, आरसीएफ का, कुछ नहीं होता है उससे, उतना जमीन का कस नष्ट हो जाता है उससे। और गाय के गोबर से खाद से उसकी जमीन की वैल्यू, जमीन का कस, जमीन का गुण धर्म जो है उपजाऊ बढ़ जाता है। हर वस्तु गाय की, याद रखी आपके घर में कोई अपशकुन हो गया, कोई डर लग गया, बच्चा रो रहा है, तो गाय के बछड़े की पूंछ जाके अपने बच्चे को लगा दो। केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, सब लगाते जाओ, सब अपशकुन दूर। आपको नजर लग गई है, एक बार गोबर अमृत और गोमूत्र स्नान कर लो, सब नजर में उतर जाएगी। भोजन की नजर लग गई है, गोबर गोमूत्र से स्नान करो, सब खत्म हो जाएगा। इतनी शक्ति, कितना प्रेम है भगवान का गाय के ऊपर, इतना शक्ति भगवान ने गाय को दी। पूरे भारतवर्ष की जो समृद्धि थी ना पहले, उसका स्टडी किया गया। मैक्स मुलर ने स्पॉन्सर्ड स्टडी किया, इंग्लैंड की रानी के द्वारा स्पॉन्सर्ड, कई सालों तक का उनको स्पॉन्सरशिप था, फ्री में कहीं भी घूमो और स्टडी करो। तो पहले संस्कृत का पंडित बनाओ, फिर सारे शास्त्र पढ़े उसने, फिर भारत भर की यात्रा की, सब जगह ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम सब छान मारा। तो भाई इनका समृद्धि का आनंद का रहस्य क्या है? उद्देश्य बहुत गलत था कि इनको गुलाम बनाना है, इन पर राज्य करना है, इनको असमृद्ध बनाना है, समृद्धि छीन लेनी है, उनको कंगाल बनाना है। ये उपद्देश्य से उन्होंने संस्कृत स्टडी किया, वेद स्टडी किए, शास्त्र स्टडी किया, गांव गए, सब जगह देखा। इतना सालों का जो स्टडी किया, उसका रिपोर्ट दिया रानी को। क्या रानी को रिपोर्ट दिया? इनके सुख और समृद्धि, सुख
और समृद्धि दोनों का रहस्य गाय है, और आपको इन पर राज्य करना है, इनको कंगाल बनाना है, इनको डिपेंडेंट बनाना है, तो गाय को नष्ट करो। हमने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई और सिस्टमैटिकली गाय को तुम्हारे उनके जीवन से अलग कर दिया, कटवाना शुरू कर दिया, चाय इंट्रोड्यूस किया, गाय की चारे के जगह पर चाय लगाया, चराना बंद बंद कर दिया, तो चारा नहीं मिलता है फ्री में तो गाय बोझ बन गई, तो फिर उसको बोला कटवा दो, फिर उसका एक्सपोर्ट शुरू कर दिया बीफ का, ऐसे करके सिस्टमैटिकली। जिनके गरीब से गरीब घर में 50-60 गाय होती थी, फिर 40 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 1 हो गई, एक भी मुमकिन नहीं रखना उसको, तो खत्म हो गया। कोई बड़ा अमीर रहेगा तो 10 गाय रहेगी उसके पास, ऐसा सिचुएशन बना दिया उन्होंने पूरा। इसलिए भी भारत अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्री, अविकसित देश के रूप में उसका गिनती होता है, क्योंकि हमने अपना जो धन दौलत है गाय का वो सब ऐसे ही छोड़ दिया, हमने बोझ बना दिया उसको, जो हमारी समृद्धि का साधन था उसको हमने ही वैल्यू कम करके भगा दिया अपने जीवन से, और खुद भिखारी बन गए हम लोग, और भिखारी बन के गुलाम भी बन गए, क्योंकि तो भिखारी फिर किसी पे डिपेंड रहता है खाने पीने के लिए। तो इस तरह से विचार पूर्वक हमारा बौद्धिक हनन किया उन्होंने, इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रक्शन बनाया पूरा, एंड दे मेड अस इंटेलेक्चुअल स्लेव्स फर्स्ट, देन फिजिकल स्लेव्स आफ्टरवर्ड्स। और आज भी वो जो बौद्धिक गुलामगिरी है ना हमारी, वो चल रही है। तो शास्त्र के दृष्टि से आप देखेंगे ना, देश को समृद्ध करना है भारत को दोबारा, तो गाय को अपनी जगह पर लाके रखो बस। लगता है व्हाट इज दिस, व्हाट लॉजिक इज इन दैट, जानवर को लाके आपको समृद्ध कैसे बढ़ेगा, लेकिन पूरा इकोनॉमी उसमें उसमें गाय पे चलता। अरे इतनी समृद्धि थी नंद बाबा के घर पे गाय के वजह से कि यशोदा माई फ्री में छाछ बांटती थी, और वो छाछ बांटते समय जो छाछ गिरा करता था वो पर्वत से नीचे आता था और एक छाछ कुंड बन गया उसका, वो भी भरा रहता था हमेशा। घर में ही तो नदियां लुट लुटी जा रही है, गोपियां आके छाछ पी रही है, सब लोग बाल बाल पी रहे हैं, सबको पिला रहे हैं, और जो गिर रहा है पिलाते वक्त, क्योंकि बहुत ज्यादा होता है अपने के साथ देते तो गिर जाता है, तो जो गिर के टिकल के नीचे आता है तो छाछ कुंड, 56 कुंड में से एक कुंड का नाम छाछ कुंड है, इतनी समृद्धि हुआ। और इतना गौधन था, इतना उनका जीवन का फाउंडेशन गौ था, कि जब भी किसी का जन्म हो गया तो वो मक्खन उड़ा रहे हैं, घी दही उड़ा रहे हैं, आप बोलेंगे ई मेरे कपड़े सब चिकट हो जाएंगे, ऐसा आज का मेंटेलिटी है। उस समय मक्खन हमारे शरीर पे आना एक गौरव की बात थी। आज जैसे लेडीज लोग को लाली लगाते हैं तो आप लोग हाउ ब्यूटीफुल आई एम लुकिंग, आप गर्व करते हैं कि मैंने आज मेकअप किया, वैसे गौ का चीज आपके ऊपर आना ये गर्व की बात थी। इतना तक माखन के गोले कृष्ण के जन्म के ऊपर फेंके गए थे नंद के आंगन में कि सारे मोरियां ब्लॉक हो गई वो माखन के गोले से, और ऊपर भी दही दूध फेंका गया तो कमर तक दही दूध का सागर पैदा हो गया, उधर नंद भवन के आंगन में क्षीर सागर उत्पन्न हो गया, और उसमें उन्होंने नंद बाबा को नचाया। नंद बाबा को बोल रहे अरे बालक का जन्म हुआ है नाचो आप, बोले मैं तो बूढ़ो है गो, मैं ना नाच पाऊं, बोले हम आपको नचा देंगे। तो क्या किया, अपना पूरा शेला निकाला, पेटा निकाला लंबा ऐसा, तो एक एक राउंड लगाया पेट पे, एक एंड इधर दे दिया एक इधर दे दिया, और फिर चालू किया उन्होंने, समझ में आया आपको, उनको वो बनाया मंदार पर्वत मंथन वाला, और उनको नाचने को आता नहीं तो नाचाया उन्होंने उनको ऐसे खींच के। वो इतना दूध और दही कहाँ से आ गया बताओ, लोग भी आके उड़ा रहे हैं, ये भी उड़ा रहे हैं, घर से भी उड़ा रहे हैं, बाहर से भी आके उड़ा रहे हैं, सब गौ धन की वजह से। इतनी समृद्धि थी क्योंकि तो वो गौ को पूजा करते थे। भगवान ने भी जब गौ को जिम्मेदारी स्वीकार किया ना, गोपाल चंपू में लिखा है कि भगवान ने सारे गौ की पूजन किया। भाई अभी भी समझ में आ रहा है कि टाइम किधर था उतना, 9 बजे जाना था आपको, सुबह पूजा शुरू किया, 9 लाख गाय की पूजा कैसे करेगा एक व्यक्ति, लेकिन भगवान ने किया, सब गौ का पूजन करके देख गए। गौ के क्या कहें आपको, 7:45 हो गए, ओ माय गॉड। ठीक है एक बताता हूँ लास्ट बात, गौ का जब चलते हैं ना गौ, तो उनके पैर में ना एक ऐसे छेद होते हैं, छेद उसमें जाके मट्टी बैठ जाती है, तो वो दिन भर घूमते हैं ना तो मट्टी फिट हो जाती है, और रात को गाय घर आती है, तो बुद्धिमान जो ब्रजवासी है
वो उस गाय को सुलाता है, उसके पैर अपने गोद में लेता है और उसके चरणों की जो रज अटकी हुई है वो निकाल लेता है। उसको विजय रज कहा है, वो रज जमा करके रखता है घर पे, और कोई बाहर इम्पोर्टेंट काम करने जा रहा है, बेटी के सगाई करने जा रहा है, इंटरव्यू देने जा रहा है, कोई बड़े काम करने जा रहा है, तो उसका तिलक करके चले जाते हैं। बहुत पावरफुल है वो गौ रज, गौ खूर रज कहते हैं उसको। मेरे घर में एक पैकेट रखा है मैंने, नंदगांव गोस्वामी ने मुझे खास, हमारे गाँव के पैर का हमने निकाला हुआ रज है ये, आप रखो अपने घर पे, वो महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हो लगा के जाया करो। एनीवे, ऐसे अनंत लीलाएं गाय की, गाय के विषय में क्या कहें आपको। ये वृंदावन धाम का एक महत्वपूर्ण अविभाज्य अंग है, इसके बिना वृंदावन वृंदावन नहीं बन सकता है। तो गौ के सामने अगर आप जप करेंगे ना, ये तो सब गौ के सामने ही आप लोग हैं, तो आपका आश्रम ही गौ के, आश्रम के बाजू में है, बाजू में गौशाला है। गौ के समक्ष जप करने से, एक माला करने से 100 माला करने का लाभ होता है। गौशाला में एक ब्राह्मण को भोजन कराएंगे तो 100 ब्राह्मण को भोजन कराने का पुण्य मिलेगा। हर चीज मल्टीप्लाइड बाय 100। एनीवे, अभी यहाँ पर समाप्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी प्रयोजन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे क्योंकि जाना है मुझे तुरंत।